अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मुमताज खान। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो व्यूअर, आज मैं आपको रेसिपी शेयर करनी है। ये मैंने चने जो है, आज आपको चनों की रेसिपी आपको दिखानी है। चने किस तरह से हम पकाते हैं, आप पकाते तो हर बंदा ही आजकल तो हर किस दिखाता है, लेकिन आज हमने आपको अपनी जो है ना घर के चने जो हम खुद आप खाते हैं वो ही आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो वैसे तो आज तो अभी बस ये हमने ये सब्ज मिर्चें लेनी है। ये तकरीबन छोटी हैं, बहुत देखें ये छोटी हैं, तो ये छोटी हैं। ये हमने लेनी है 6 दाने। ये 6 दाने मिर्चे लिए हैं सब्ज। ये आधा किलो चने हैं, आधा किलो चने और 2 टमाटर हैं और ये लहसुन है। तो ये लहसुन, ये 6 अदद मिर्चें सब्ज और ये आधा किलो चने और ये ग्राइंड किए हैं ये टमाटर हमने। तो हमने ये 2 टमाटर ग्राइंड करके इधर रखे हुए हैं। ये टमाटर 2 ग्राइंड किए हैं, ये 2 टमाटर ये ग्राइंड किए हुए हैं। तो आज सबसे पहले हम इसमें इसमें डालेंगे ये 2 बड़े चमचे हम घी डालेंगे। ये मैं ऑयल डाल रहा हूँ, आप लोग इसमें घी भी डाल सकते हो। ये मैंने इसमें ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। तो व्यूअर्स, ऑयल डालने के बाद आप इसको ये लहसुन इसमें डालेंगे। लहसुन गरम हो चुका है, इसमें लहसुन हम डालेंगे। ये लहसुन ये हम इसमें लहसुन डालेंगे। ये लहसुन डाल दिया है। अब ये इसको ब्राउन होने तक हम 2-3 मिनट लगेंगे इसको ब्राउन होने तक। ये लहसुन अभी ब्राउन हो गया है, ये देखें ये ब्राउन हो गया। अभी इसके ऊपर हम इसमें ये जो टमाटर हमने ग्राइंड किए थे वो डाल रहे हैं। ये टमाटर डाल रहे हैं, ये जो टमाटर हमने ग्राइंड किए थे वो डाल दिए। तो उसके बाद इसमें ये सिबल मिर्ची हमने काट के डालनी है। ये सबज मिर्चें हमने 6 अदद काटनी है। आप ये छोटी हैं, साबुत भी डाल सकते हो इस तरह से कट लगा के, साबुत भी। हर किसी का अपना अपना है तरीका। ये हो गया जी, सबज मिर्चें काट गई। ये सब्ज मिर्चें कट गई हैं, ये इसमें हम डाल देंगे सब्ज मिर्चें। ये हमने सब्ज मिर्चें भी डाल दी हैं, ठीक है। ये टमाटर अब जो है, टमाटर ग्राइंड किए थे इन पानी खुशक होने तक, हल्की आंच पर इनको हमने पका रहे थे। आप फ्लेम को तेज कर दें। ये अब जो मर्च है, अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, क्योंकि ये मर्चें हैं, घर की मर्चें हैं, ये हमने खुद अपने घर में तैयार किया। इसमें मसाला नहीं, हल्दी डालेंगे आधी चम्मच, आधी चम्मच खाने वाली ये इसमें हल्दी डालेंगे। नमक, क्योंकि ये चनों में ज़्यादा उबाले थे हमने इसमें नमक डाल दिया, नमक नहीं डालेंगे। और ये 1 चम्मच हमने इसमें खाने का चमचा, 1 चम्मच
सिर्फ मिर्चें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि सबल मिर्ची बड़ी कड़वी है। ये हो गया, अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर। इसको ना 5 मिनट हो चुके हैं, अभी ये अब हम डाल रहे हैं इसमें चने। ये चने हम इसमें डाल रहे हैं, ये वाले उबले हुए चने थे, ये नहीं आप इसमें कच्चे चने डाल दिए, उबले हुए थे, ये आधा किलो चने थे, उबले हुए चने इसमें डाले हैं। अब इसमें हमने चने डाल दिए, अब इनको हम हल्की आंच पर इसको हम भुनेंगे। उसके बाद 7-7 चमचा भी लाते जाएँ, 1 मिनट के बाद फिर चमचा इसमें लाते जाएँ। ये नहीं कि आप 5 मिनट तक उसके ऊपर नहीं, 5 मिनट के बाद इसको हम इसको चमचा भी साथ में हो गए हैं। 5 मिनट हो गए हैं, आप देखते हैं कि इसमें पानी डाल देंगे, जल कर तैयार हो गए हैं, पानी डालते हैं इसमें। ये जी अब इसमें अपनी मर्जी से ये आधा गिलास इसमें पानी डालेंगे, ये तकरीबन आधा गिलास पानी, ये हमने शोरे वाले बनाए हैं, आधा गिलास इसमें हमने पानी डाला है। ये जी अब इसमें जो है ना पानी आधा गिलास डाल दिया है, अब इसे हम हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक हो गया तो जी, 10 मिनट हो गए हैं हल्की आंच पर, 10 मिनट हो गए हैं, ये 10 मिनट गुजर गए हैं, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये जी ये रेडी हो चुके हैं, अब इसमें हमने ये गरम मसाला 1 चम्मच, खाने वाला 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालें। ये जी 1 चम्मच पिसा हुआ मसाला ऐड करना है लास्ट में, ठीक है, नीचे से इसको काट देना है आप, 1 चम्मच गरम मसाला ऊपर से इसको ढक देना है, ठीक है, खुशबू इसकी बाहर ना निकले इसलिए इसको ढक देना है। तो अभी और ये हो गई हमारी रेसिपी, थे तक पहुँच गई है, इसको बिल्कुल ढक देना है। अभी और अभी गरम मसाला डाला है, अभी हम इसको चेक करते हैं कि हमारी हंडी तैयार हुई है। अभी बिल्कुल ये देखें, ये हमारे चने बिल्कुल रेसिपी हमारी तैयार हो गई है व्यूअर्स। ये शाही चने तैयार हो गए हैं जी, आइए हम देख, तो आइए व्यूअर्स चेक करते हैं टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस बहुत मज़े की टेस्टी है, टेस्टी बने हैं ये। तो भी बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। ओके वीडियो।